हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी पुरानी से पुरानी फोटोज को एनहांस कर सकते हो या उन्हें नया लुक दे सकते हो। और उन फोटोज को देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये 5 साल पहले 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो ली हुई है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको वेबसाइट बताने वाला हूँ वो AI बेस्ड है, जो आपके फोटोज के पिक्सल को अपस्केल कर देती है एंड उन्हें काफी एनहांस कर देती है। और उन फोटोज को आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर सकते हो क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो गाइस, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ये वेबसाइट AI बेस्ड है, तो आपको कोई भी प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं है। अगर आपको फोटोशॉप भी चलाना नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है। और गाइस, आपको कोई ऐप वगैरह भी डाउनलोड नहीं करना है, सारा वेबसाइट के थ्रू है और वो भी AI बेस्ड। तो गाइस, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो यार इस वीडियो को जरा लाइक कर देना और साथ साथ एक बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है एंड उसके बाद आपको सर्च करना है पिक विश। तो आप देख लो, आपको ये सर्च करना है पिक विश एंड इसके बाद आपको ये अगर ऐसा इंटरफेस दिखे तो इसको डेस्कटॉप साइट कर लेना ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस हो। एंड इसके बाद आप देख सकते हो ये वेबसाइट है पिक विश की, तो आप इसका लोगो देख सकते हो PICWISH विश। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा फोटो एनहेंसर का, तो आप देख सकते हो ये फोटो एनहेंसर है, इस पर क्लिक कर देना। एंड इसके बाद आपको फेस एनहेंसमेंट का ऑप्शन दिखेगा एंड इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप एंड इसके बाद देख सकते हो इसने यहाँ पर एक प्रीव्यू दे रखा है कि आपकी ऐसी ब्लर फोटो हो और ये आपको ऐसे कर देगा, बट हम अपनी रियल फोटो देखते हैं कि सच में ये ऐसा कर देता है या नहीं, तो आप देख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है एंड आपको वो फोटो ले लेनी है जो आपने 2 मेगापिक्सल के कैमरे से खींच रखी हो। तो मैं सबसे पुरानी फ़ोटो ले लेता हूँ अपनी बचपन की, ये सही में 2 मेगापिक्सल के कैमरे से खींची हुई है। आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हो, अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हो पहले इसकी क्वालिटी देखो, ये 2 मेगापिक्सल के कैमरे से है। मैं बचपन में छोटा था तब को तो मैंने आर गया था तब ये खींची थी वहाँ पर तब। एंड इसके बाद मैं आपको इनहेंस करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी देखो कितनी इम्प्रूव हो गई। मैं आपको अभी ये जूम करके डिफरेंस बिटवीन दिखाता हूँ इसका, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ एंड देखो मेरी ओल्ड पिक्चर ऐसी थी एंड इसको एनहेंस हुआ, ये देखो कितनी मतलब बढ़िया लग रही है। इसके बाद अगर आपको ये फ़ोटो डाउनलोड करना है तो आप ये बढ़िया वाला, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा बटन, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपकी गैलरी में ये डाउनलोड हो गया एंड आप देख सकते हो नोटिफिकेशन भी आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है एंड हो भी चुका है, तो ये डाउनलोड हो गया सक्सेसफुल। तो गाइस, मैं आपको एक और पिक दिखाता हूँ। ये तो मैंने फ़ोटो से फ़ोटो ले रखी है, वो तो चलो 2 मेगापिक्सल के कैमरे की थी, बट ये तो मैंने फ़ोटो से फ़ोटो ले रखी है। ये आप देख सकते हो, ये तो मैं बिल्कुल बचपन में था तब की फ़ोटो है, तो आप देख सकते हो। एंड साथ साथ में ये फ़ोटो ब्लर भी है, बट मैं आपको अभी इनहेंस करके दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। तो आप मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी। और ये आप ये वीडियो देख रहे हो तो 1080 पिक्सल में देखना, तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा, वरना आप ये वेबसाइट ट्राई करना तो समझ में आएगा, क्योंकि आप अगर 360 में वीडियो देखोगे तो शायद से वीडियो ही ब्लर हो तो आपको समझ में ना आए। तो आप देख सकते हो मतलब काफ़ी बढ़िया इसने एनहेंस कर दिया, मतलब ये तो बहुत बढ़िया वेबसाइट लगी। ये देखो मतलब ब्लरी पिक्चर है एंड इसको ये देखो एनहेंस हो गया, तो देख सकते हो आप। और आप अपने दादा परदादा की फ़ोटो भी मतलब यहाँ से मतलब एनहेंस कर सकते हो अगर उनके ओल्ड फोटोज हैं। मेन सबसे बढ़िया बात है, आपको कोई ऐप वगैरह भी डाउनलोड नहीं करना, सीधा वेबसाइट के थ्रू है और सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस, मैंने इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, एक बार आई बटन या डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलना और चैनल को तो चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।